नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मेहंदीरता आज आपसे बात करेंगे एक न्यू मिराकल ड्रग की, डेक्सामेथासोन। अभी पिछले 3-4 दिनों में हमने सुना कि एक नया ड्रग आया है विच कैन एक्चुअली हेल्प कोविड पेशेंट सर्वाइव। डेक्सामेथासोन एक बहुत पुरानी ड्रग है जो स्टेरॉयड है, हमारे बाकी प्रॉब्लम्स जैसे जॉइंट पेन्स, एस्थमा, एलर्जीज़ के लिए सालों से यूज़ करते आए हैं। बट अभी इसका रोल कोविड में किस तरह से होता है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये जो दवा है ये हम हर कोविड पेशेंट को नहीं देते हैं, मतलब जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनको हल्का खांसी, बुखार ऐसी तकलीफ है उनके लिए ये नहीं है, बिकॉज उसमें ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। लेकिन जो पेशेंट्स हाई फ्लो ऑक्सीजन डिमांड्स में हैं, जो मॉडरेट टू सिवियर केसेस में आते हैं, जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन केसेस में हमने ये अभी तक स्टडी किया और WHO ने भी इसको अप्रूव किया कि अगर हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं तो सपोज़ वेंटिलेटर पे 100 पेशेंट जाते हैं, उसमें से उम्मीद होती है कि 15 सर्वाइव करेंगे एंड वी लूज 50 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज। बट इस ड्रग ने उस 50 पेशेंट में भी 12 पेशेंट्स का नंबर हमें लाइफ में बेटर होने में दे दिया। सो एक रेशियो ये है कि अगर हमारे 3 डेथ्स एक्सपेक्टेड थी तो उसमें से हमारी 1 डेथ कम हो जाती है, विच इज़ नो डाउट अ ह्यूज नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे बहुत सारी और ड्रग्स, रेमडेसिविर, HCQs और ये सब अंडर ट्रायल हैं। बट नन ऑफ दी ट्रायल, किसी भी ट्रायल में हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये ड्रग कितना इफेक्टिव है। बट येस, इस ट्रायल में कंपेरेटिवली इसका जो एक ट्रायल हुआ जिसमें उन्होंने 2000 पेशेंट्स को जो मॉडरेट टू सिवियरली इल थे उनको ये ड्रग दिया और 4000 को नहीं दिया, एंड देन दे कंपेयर्ड कि उन 2000 में जो बेनिफिट था वो सिग्निफिकेंट था। आज की इस डेट में कोविड के इतने केसेस और इतनी मोर्टैलिटी में अगर हमारे पास थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो वो हमारे लिए लाइफ सेविंग हो जाता है। अभी ये देखो कि डेक्सामेथासोन करता क्या है। डेक्सामेथासोन बेसिकली क्या होता है, जब कोविड आता है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन में जाता है और वो इन्फ्लेमेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि बॉडी जो है एक साइटोकाइन स्टॉर्म में चली जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन इस लेवल पर आती है कि बॉडी वायरस से लड़ने के साथ साथ इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि वो अपनी ही बॉडी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को यहीं पर रोक पाएँ कि अगर इन्फ्लेमेशन, हम सोचें कि हम इन्फ्लेमेशन को एक स्टेप पहले कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अपनी बॉडी को एटलीस्ट हार्म नहीं करेगा। सो उन्होंने जो ये स्टडी करा उसमें उन्होंने ये देखा कि जो लोग वेंटिलेटर पे थे या जो लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे उनमें उनको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला। लेकिन कोई भी ड्रग जो है वो साइड इफ़ेक्ट से फ्री नहीं होती है। सो जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि डेक्सामेथासोन एक मिराकल ड्रग है और वो हेल्प कर रही है, दैट डज नॉट मीन कि हम सारे लोग उस ड्रग को का स्टॉक इकट्ठा करें और उसको बिना डॉक्टर की एडवाइस के लेते रहें। सो हमें समझना है ये स्टेरॉयड है, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंग्जाइटी होती है, वेट गेन होता है, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों में ये उनके कंट्रोल्स को हिला सकती है। सो दिस ड्रग हैज़ टू बी टेकन ओनली ऑन दी एडवाइस ऑफ दी डॉक्टर। इन टोटल दी ड्रग इज डेफिनेटली अ मिराकल ड्रग, बट वेन यूज्ड इन सेम हैंड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं ना कि हर किसी को दे दे, तो पेशेंट सिलेक्ट करना है कि क्या इस पेशेंट को एक्चुअली इस ड्रग की ज़रूरत है, और अगर उस ड्रग की ज़रूरत है तो डेफिनेटली इस ड्रग के बेनिफिट्स आर मोर कि इसके नुकसान से ज़्यादा हमें फ़ायदे होंगे। सो लेट्स यूज़ इट जुडिशियली एंड कीप इट रिजर्व फॉर द पेशेंट्स हु एक्चुअली रिक्वायर इट, नॉट कि सब लेना शुरू कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1MG ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।